guys, welcome back to my channel, Bharti Bazaar. Donwal E-Motors Limited IPO की लिस्टिंग 23 जुलाई ट्यूजडे को यानी कि कल होने वाली है। इस IPO में कितना लिस्टिंग करेगी ये जानने से पहले हम लोग इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बिजनेस मॉडल, जीएमपी, सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखेंगे। फाइनेंशियली देखें तो ये IPO बहुत ही अच्छा दिख रहा है। 2022 में 233.94 लाख की प्रॉफिट पर था, जो 24 में ग्रो होकर 1181.17 लाख पहुंच चुकी। तो फाइनेंशियली ये काफी अच्छा दिख रहा है। रेवेन्यू भी अच्छा ग्रोथ है, एसेट भी लगातार बढ़ा है, नेटवर्क भी लगातार बढ़ा, रिजर्व सरप्लस भी बढ़ा है, इसमें उधारी नहीं हुआ। तो ये कंपनी काफी फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 57.53% है, ROCE 59.38% है, रिटर्न ऑफ नेटवर्क 57.53% है, पैट मार्जिन 11.29 है, डेट पर इक्विटी 1 है, PE 20.71 है, प्री IPO एंड पोस्ट IPO 27.62 है। तो फाइनेंशियली IPO काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बात करें इसके बिजनेस की तो दिसंबर 2018 की इनक्रोप्टेड टोनवाल मोटर्स लिमिटेड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है। टू इलेक्ट्रिकल हाई क्वालिटी व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनिंग, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। तो बिजनेस अच्छा कर रही है, लेकिन ये हाल फिलहाल में इस फील्ड में आया है, तो लोग अभी इस फील्ड में निवेश करने से थोड़ा सा डर रहे हैं। ये अभी तक 23 डिफरेंट मॉडल को फेस कर चुका है। इसके पास 256 डीलर हैं, जो पूरे इंडिया के 19 स्टेट में ये अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। तो बिजनेस अच्छा दिख रहा है, बिजनेस भी अच्छा है, फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग दिख रही है। नई बिजनेस अभी स्टार्ट किया तो इस फील्ड में लोग अभी उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं निवेश करने के लिए। इसमें टोटल 12.31 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है, रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में 16.64 गुना, अदर्स में 7.61 गुना, टोटल 12.31 गुना का सब्सक्रिप्शन हुआ है। और इसकी आज की तारीख में GMP 5 रुपए है। इसकी GMP की ओपनिंग 10 जुलाई को 25 रुपए पर हुई थी और लगातार घटता रहा, अभी एक फिलहाल 5 रुपए ही बचे हैं। अनलिस्टेड मार्केट में 64 पर ट्रेड कर रही है, 8.47% की बेनिफिट दे रही है अपने निवेशको को। इसकी कट ऑफ प्राइस 59 रुपए है। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं, मे भी इसकी GMP और ड्रो डाउन हो सकती है, निगेटिव लिस्टिंग भी हो सकती है या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट भी लिस्टिंग हो सकती है। अगर 10% की निगेटिव लिस्टिंग हो सकती है तो फिर यहाँ पर होल्ड करना पॉसिबल हो सकती है, लेकिन 20-25% की निगेटिव लिस्टिंग होती है तो फिर लॉस में लेकर के आउट हो जाए, या फिर यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट या 5-10% प्रीमियम के साथ अगर इसकी लिस्टिंग होती है तो एक रिस्क रिवार्ड के हिसाब से अपना जो सबका कैलकुलेटिव रिस्क रिवार्ड होता है, अगर कॉस्ट टू कॉस्ट में इसकी लिस्टिंग हुई तो 20% की जो आपने फंड निवेश किया है उस फंड में से 20% का लॉस पर इस IPO को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस ठीक ठाक कर रही है, फाइनेंशियली भी काफी स्ट्रांग है। अभी ये नए फील्ड में अप्लाई कर रही है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो इस फील्ड में लोग अभी निवेश करने से घबरा रहे हैं, इसलिए इसमें कुछ खास सब्सक्रिप्शन हुआ नहीं, 12.31 गुना ही IPO सब्सक्राइब हुआ है। बाकी बाद में निवेशकों को अच्छा रिटर्न बना करके दे सकता है। थिंक सर पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक से जरूर करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड जय हिंद।